हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑन नई सुबह वेब रेडियो। दिस इज योर वेरी ओन आरजे साकिब रिजा वंस अगेन विद जीत का जोश। जनाबे आली, जीत का जोश में जोश बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम बहुत करीब आ गए हैं सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के। जनाब ये जब मुकाबले होते हैं तो बहुत ज़्यादा नज़रें ICC T20 वर्ल्ड कप में या कोई भी वर्ल्ड कप हो या कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें ये जो मैचेस होते हैं बहुत वैल्यू रखते हैं, क्योंकि जाहिर है शुरू से जब मैचेस हो रहे होते हैं तो इन्हीं राउंड्स के लिए मैचेस खेले जाते हैं। पहले जाहिर है सुपर एट के लिए होता है, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल। जनाब देखना होगा कि कौन सी दो टीम्स हैं जो फाइनल में पहुंच रही हैं। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ को जी रहे होंगे, बड़े अच्छे अंदाज में हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगियों को जी रहे होंगे। जनाब आली, बहुत सारी चीजें हैं आज। बरल टांके क्यों कांप रही थी, ऐसे क्यों कर रहे थे भाई जान? अस्सलाम वालेकुम। इसलिए कि चप्पू भाई को मैंने देख लिया था कि चप्पू भाई एंट्री मारने लगे। इतना घबराते मेरे से? हाँ यार, चप्पू भाई आपकी बात ही अलग है ना, आपको कोई देखे तो हिल जाता है, बिना नहीं जी लगता, ऐसे तो नहीं पहुंच चल रहा कोई। हाँ ये तो है। बरल जनाब आज ब्रेक है, ICC T20 वर्ल्ड कप में आज कोई मैच नहीं खेला जा रहा। यार वो जो तुम लोग ब्लाइंड वालों का बोल रहे थे बना बीना बच्चों का, उनका कुछ करो ना, उनको यार आज हम अपनी ब्लाइंड क्रिकेट को प्रमोट करेंगे जनाब, बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये तो हमारा खेल है और खेल खेल हमारा शो आप सुनते ही हैं जाहिर है। तो ये जीत का जोश है जनाब, आज ब्रेक है ICC T20 वर्ल्ड कप में, जो पहले मरहले थे वो मुकम्मल हुए और अब सेमीफाइनल्स का सिलसिला कल से शुरू हो रहा है। जनाब आली कल पहला मैच खेला जाएगा सुबह में 5:30 पर, ये पहला मैच होगा जो कि खेला जाएगा दो टीमों के दरमियान, जो कि जाहिर है एक अफगानिस्तान की टीम है जिसको ऑलमोस्ट सारे ही पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी साउथ अफ्रीका की टीम है। इन दोनों टीमों के दरमियान सुबह में मैच खेला जाएगा। इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे मुसलमान भाई हैं, हमसे कुछ नहीं बनता तो फिर हम मुसलमानों पे आ जाते हैं। बरहाल ये मैच खेला जाएगा ब्रेन लारा स्टेडियम में, सुबह में खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। लेग लारा में नहीं खेल सकता, ब्रेन में खेला जा रहा है, लेग में खेल लो। ये सुबह में 5:30 पर ये मैच का आगाज होगा, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की जो टीम है, हम ज़ाहिर सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान की टीम को। दूसरा मैच होगा कल शाम 7:30 पर, जो कि खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान। तो ये सब कुछ है जनाब, आज बरल ब्रेक है ICC T20 वर्ल्ड कप में। बरल नहीं होता, बहरहाल होता भाई जान, उर्दू तो ठीक कर लो यार, कसम से तुम लोग कौन हो? अच्छा बहरहाल बहरहाल आज ब्रेक है जनाब, हमने एहसन इकबाल से भी बात करनी है, एहसन इकबाल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जनाब मन क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? एहसन इकबाल साहब बोलो साहब, किबला खैरियत से है? क्या बात है जनाब, वालेकुम अस्सलाम। अब बस बस ठीक है, छोड़ देना यार। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, मैं पहले से आया हुआ हूँ, ये साकिब जान मुझके नंबर बढ़ाता है कि एहसन इकबाल ने हमें अभी ज्वाइन किया है और समथिंग लाइक दैट। मैं कोई लेट लतीफ़ आदमी नहीं हूँ, आप बताएं क्या हाल चाल है, आप लोग के खैर खैरियत से हैं, कैसा है आपके आसपास का मौसम, इंजॉय कर रहे हैं आप लोग? कराची वाले तो इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है, न जाने इनका क्या बनेगा। बहरहाल जी इनके लिए भी दुआ कीजिए, अफगानिस्तान के लिए भी दुआ कीजिए, दुआएं ही कीजिए जिसके लिए कर सकते हैं, हमारे लिए भी कीजिएगा। और हम जो है वो कल के मैचेस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करना चाह रहे हैं गोल बॉल। पाकिस्तान की टीम जो है वो केन्या को शिकस्त देकर आई है और ये तारीख में पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम हम बाहर गए, फर्स्ट टाइम जीत कर आ गए, यार इसको कहते हैं क्वालिटी, क्या बात है। बहरहाल जनाब आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं जीत का जोश का, क्योंकि आज हम जीत के जोश में T20 वर्ल्ड कप की बात इसलिए कम करेंगे बिकॉज हम या तो फाइनल प्रेडिक्शंस ले रहे होंगे कि सेमीफाइनल्स दोनों कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, क्योंकि आज गैप था, मैच कोई नहीं था जिसकी डिटेल हमें आपको देनी हो। तो आप तमाम लोग हमें किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह 0330860072 और facebook.com/naisubainstitute के थ्रू आप हमारे साथ कॉल्स में भी शामिल हो सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। जनाब कराची इस वक्त जिस तरह एहसन ने भी कहा कि शदीद गर्मी में इस वक्त गर्मा रहा है और गर्मी की लपेट में है इस वक्त पूरा कराची, बहुत बुरा हाल है। जनाब आली अगर आप हमें कहीं ठंडी जगह से सुन रहे हैं, कहीं बारिशों वाली जगह से सुन रहे हैं, तो यार हम पे कुछ तरस खा लो यार, हम पे कुछ रहम फरमाओ, इतनी गर्मी बहुत बुरा हाल है। वैसे हम दुआ भी करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तमाम ही मुसलमानों के लिए आसानी फरमाए, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्मी है जिससे हलाकतें भी हो रही हैं और बहुत बुरा हाल है। बहरहाल एहसन इकबाल
क्या कहेंगे जो ये जो बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसके नतीजे में 40 हम सुन रहे हैं कि कराची में अमवात हो चुकी है। हाँ तो अब क्या शोक मनाना तुमने, मतलब मैं क्या कहूँ, उसमें गर्मी हो रही है, एहतियात कीजिए, सब तमाम लोगों को पता है क्या क्या एहतियात प्रीकॉशंस, तो यही है कि आप घर पे रहिए, मैचेस देखिए, T20 वर्ल्ड कप को एंजॉय कीजिए, हमारी ट्रांसमिशन सुनिए। यार आप क्यों धूप में गर्मी में जाके हार होते हैं, फिर लोड शेडिंग का एक मसला है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो इस मसले का भी कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए, गवर्नमेंट से इल्तमास करते हैं, इल्तजा करते हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी। तो बहरहाल जनाब साकिब, हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड देन इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। मेरे ख्याल से दो थोड़े ऐसे नहीं हो गए कि एक थोड़ा छोटा सेमीफाइनल एक थोड़ा बड़ा सेमीफाइनल, मतलब दो टीमें ऐसी हैं जो कि पहली बार वर्ल्ड कप नहीं खेली कभी, मतलब सेमीफाइनल तो खेली हैं, फाइनल नहीं जीती, फाइनल तक उनकी जो है वो कोई ट्रॉफी उठाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अफगानिस्तान की टीम पहली बार सेमीफाइनल में गई है। तो ये दोनों टीम्स ऐसी हैं कि जिनमें से जो भी बाहर होगा तो दुख होगा, उनके फैंस को भी दुख होगा क्योंकि सबकी उम्मीदें होंगी। ऐसा होता कि इंग्लैंड और अफगानिस्तान या इंडिया के साथ मैच होता किसी दूसरी टीम का, और मतलब एक फ्रेश टीम होती, एक जो है वो अपने किसी टाइटल को डिफेंड करने वाली टीम होती, तो शायद ये होता कि चलो यार ये टीम तो पहले भी जीत चुकी थी इसलिए बाहर हो गई तो खैर है। अभी थोड़ा दुख सा हो रहा है कि अफगानिस्तान और अफ्रीका में से जो भी बाहर होगा उसके लिए कुछ सिंपथीज होंगी फैंस की। बिल्कुल ऐसे ही जनाब, और जाहिर है इस वक्त जिस तरह हमने पहले भी कहा कि अफगानिस्तान की जो टीम है उसको पाकिस्तान की आवाम की भी सपोर्ट हासिल है, पाकिस्तान के आवाम की सपोर्ट भी हासिल है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जनाब आली, देखते हैं क्या होता है आने वाले कल में, क्योंकि पहला मैच है इन दो टीमों के दरमियान अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, जबकि हमने जिस तरह पहले बताया कि दूसरा मैच खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, नहीं ऑस्ट्रेलिया तो 2021 में जीत चुकी वर्ल्ड कप, तो इंग्लैंड के साथ इंडिया का मैच है, तो देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 0330860072, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर सकते हैं। आगे आने वाले जो चार मैचेस बाकी रह गए हैं, बल्कि तीन मैचेस बाकी रह गए हैं, दो सेमीफाइनल्स और एक फाइनल, तो इन मैचेस में आपकी क्या तवक्कुआत हैं, आपको क्या लग रहा है वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो कौन जीत रहा है, ये सब आप हमें बता सकते हैं कॉल करके, और हमारे फेसबुक पेज पर भी आप बता सकते हैं जो कि है facebook.com/naisubahinstitute, वहाँ पर भी आप बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम फाइनल जीत रही है, ये सब आप बता सकते हैं हमें। और जीत का जोश के हवाले से भी अब हम चाहेंगे कि आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि हम जो आपके लिए ट्रांसमिशन लेकर आए थे इस क्रिकेट सीज़न जो कि अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है, जब हम आगाज़ कर रहे थे तो जोश वलवला अपने उरूज पर था, पाकिस्तान की टीम को हमारी सपोर्ट थी, हम भी जोश व खरोश के साथ सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मालूम नहीं था कि पाकिस्तान की जो टीम है वो पहले मरहले से ही बाहर हो जाएगी। बस क्या करें, इंसान सोचता कुछ है लेकिन हो कुछ जाता है। सपोर्ट बरहल हमने पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा दी, उसके बाद ये कि पाकिस्तान बाहर हुआ, बरहल जीत का जोश अभी जारी है, फाइनल तक हम आपके साथ हैं। आगे अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं ट्रांसमिशन से मुतल्लिक, आपको कैसी लगी ट्रांसमिशन, तो भी आप हमें व्हाट्सएप पर अपने अपने ऑडियोज़ की सूरत में, अपने वॉइस नोट्स की सूरत में आप फीडबैक दे सकते हैं, हम आपकी हम कोशिश करेंगे आपके जो फीडबैक्स हैं वो हम चलाएँ अपनी ट्रांसमिशन में। तो एहसन इकबाल, आपको ओवरऑल जीत का जोश ट्रांसमिशन कैसी लग रही है, अभी तो जारी है, आखिरी जो हमारा एपिसोड होगा उसमें इंशाल्लाह हम फेयरवेल सेरेमनी भी रखेंगे, क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी इस जीत का जोश की, लेकिन ओवरऑल क्या कहेंगे जीत का जोश से मुतल्लिक। साकिब थैंक यू सो मच यार, मुझे तो थोड़ी थोड़ी रुखसती की फीलिंग आ रही है। वेल आज हमारे साथ चप्पू चार्जर साहब भी मौजूद नहीं है, तो हमारी चार्जिंग थोड़ी सी वैसे ही डाउन लग रही है। तो सीन कुछ यूँ है कि मंडे को हम अपनी ट्रांसमिशन एंड कर रहे होंगे, हालांकि हमें फ्राइडे को कर देनी चाहिए थी क्योंकि हमने 30th तक आपसे कमिटमेंट की थी, और सैटरडे संडे वैसे ही नहीं हम ट्रांसमिशन कर रहे होते, बट मंडे को हम ट्रांसमिशन इसलिए करेंगे कि हम फाइनल के ऊपर जो है वो थोड़ी सी वर्डिक्ट दें, फाइनल कैसा लगा हम लोगों को, कितना मज़ा आया, क्या नहीं आया, ओवरऑल इस पूरे वर्ल्ड कप को समअप करें, अपनी ट्रांसमिशन को समअप करें। तो मेरे ख्याल से मंडे को ये काम करेंगे जो आप अभी हमसे लेने वाले हैं।
हमारे पास कुछ कॉलर्स मौजूद हैं, उनको हम लूप में लेते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं। क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड कप में जो अब सेमीफाइनल्स का सिलसिला शुरू हो रहा है, इसमें हम पूछेंगे हमारे साथ जो कॉलर मौजूद होंगे, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं उनके ख्यालों में क्या होने जा रहा है, सेमीफाइनल कैसा होने जा रहा है, जो पहले दो टीमों के दरमियान होने जा रहा है वो कैसा रहेगा, फिर जो शाम में कल शाम में मैच खेला जाएगा वो कैसा रहेगा। क्या हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं? जैसे ही कॉलर हमारे साथ आते हैं तो हम उनसे पूछ लेते हैं कल जो दो मैचेस खेले जाने हैं, सेमीफाइनल्स खेले जाने हैं, उनके हवाले से पूछते हैं अपने कॉलर से। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कौन कहां से हमारे साथ एक बार फिर? वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं सैनबादी अर्ज कर रहा हूँ कराची से। क्या बात है जनाब, हसनैन अब्बासी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर जीत का जोश में। आप पहले अख्तर भी अख्तर अब्बासी के बाद हसनैन अब्बासी हमारे साथ हैं जनाब अली, पहले भी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने थे, एक बार फिर हमने इनको कॉल पर पाया है। जनाब क्या हाल है, कैसे मिजाज है, खैरियत से है? क्या बात है, खैर मुबारक जनाब, खैर मुबारक, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया वो भी मुबारक हो। हाँ वो भी गुजरी हुई बात है ना तभी। जनाब इस वक्त हमारे पास चार टीमें जो हैं फाइनल हो चुकी हैं, जो कल से कल यानी सेमीफाइनल खेलेंगी अपना अपना। कल पहले जो दो टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का मैच होगा जो सुबह में खेला जाएगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 पर, और शाम में खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जो खेला जाएगा शाम में 7:30 पर। तो इन दोनों मैचेस को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या तवक्कुआत हैं, क्या एक्साइटेड हैं इन दो मैचेस को देखने के लिए? ज़ाहिर है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स का देखने का जो मज़ा होता है वो कुछ अलग ही होता है, चाहे पाकिस्तान हो या ना हो, एक क्यूरियोसिटी तो होती है भाई कौन सी टीम इस बार चैंपियन बनेगी। तो क्या कहेंगे जनाब हसनैन अब्बासी साहब? जाहिर है सेमीफाइनल होते हैं और उसको देखना तो होता है क्योंकि पूरा टूर्नामेंट ही फॉलो किया होता है। शायद मैं पहला इंसान था जब मैंने सुपर एट से पहले यहाँ पे कॉल की थी आपने और मेरी बात हुई थी यहाँ पे, तो उसमें यही था कि मैंने आप लोगों को कहा था कि शायद इसमें कोई मजायका नहीं है कि अफगानिस्तान अगर सेमीफाइनल खेले, तो उस टाइम पे ये सुपर एट के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था, तो मैंने ये कहा था अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे भी। वाकई आपने कहा था यार, आप तो हमारे साथ एक नजूमी भाई बैठे होते हैं लेकिन उनसे भी आप आगे निकल गए यार। बस ये है कि आप उनकी पोस्ट मुझे ले लेनी चाहिए आई थिंक। उनकी तो छुट्टी हो गई बस फिर आज से, थोड़ा सा इस पे कर लेते हैं कि अगर जो सुबह वाला मैच है तो उसमें ये देखना होगा बैटिंग और बॉलिंग के हवाले से, अगर कि अफगानिस्तान चेस करता है तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, और अगर वो टारगेट पहले देते हैं और उसमें वो कहीं 130-140 बना देते हैं तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए ये तकरीबन नामुमकिन सा हो जाएगा कि उनके बॉलिंग अटैक के आगे इसको चेस करना, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह नेपाल ने उनको फंसाया था और जिस तरह बांग्लादेश ने भी उनको फंसा लिया था, बस वो लक के जरिए जीतते हुए आए अपने, और जैसा कि उनके साथ एक टैग भी लगा हुआ चोकर्स का, तो हम ये सोच सकते हैं कि वो शायद सेमीफाइनल में एक बार फिर चौक कर जाए। अच्छा ये जो अफगानिस्तान की टीम है इसमें भी लोग कहते हैं कि ये भी जो है ना बस पहुंच ही गई है, पता नहीं कैसे पहुंची है, बरल पहुंची है, ये भी कोई बहुत बड़ी कोई टीम है नहीं या बड़े प्लेयर्स इनके पास है नहीं, लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरफ अफगानिस्तान के ही कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं बॉलर अगर देखा जाए तो जैसे फजल हक फारूकी हैं वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में उनकी है, इसी तरह ओपनिंग जोड़ी भी अफगानिस्तान की इस बार बहुत अच्छा रन स्कोर कर रही है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए फजल हक फारूकी की आपने बात की तो उसमें यही है कि मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इन्होंने तमाम मैचेस अपने वेस्ट इंडीज में खेले पहले से लेके अभी तक लास्ट मैच, जबकि दूसरी टीमें अमेरिका में खेल रही थी, ग्रुप ए और ग्रुप डी की जो टीमें थी उन्होंने अमेरिका में उनका पड़ाव था और वो वहाँ पे मैचेस खेल रहे थे, और ये सी और बी ग्रुप की टीमें वेस्ट इंडीज में खेल रही थी तो उसके पीछे इनको सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि आपको पता है वेस्ट इंडीज में एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलिंग के नाम दिए हैं दुनिया को, चाहे आप किसी का भी नाम ले लें, और अब गो के उस तरह की बॉलिंग उनकी नहीं है लेकिन
जैसे पाकिस्तान का आप कहते हैं कि शोएब अख्तर एक वक्त वकार यूनुस और वसीम अकरम टाइप लोग होते थे, लाइक आज भी मोहम्मद आमिर वगैरह होते हैं, मोहम्मद आसिफ, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इस चीज की कमी नजर आती है कि हारिस रऊफ साहब एक ओवर में 15 रन उनको पड़ जाते हैं या नसीम शाह पहले ओवर में आके 18 रन कंसीड कर देते हैं, तो ये हमारा मैार कभी भी नहीं था बॉलिंग का। लेकिन जहाँ भी सियासत घुसती है टीमों में तो वहाँ ये हो जाता है, तो वेस्ट इंडीज का भी यही हाल था आज से 3-4 साल पहले। इनके पास जर्सी खरीदने के भी पैसे इनके बोर्ड के पास नहीं थे और डेरिन सैमी साहब ने बयान दिया था कि हम खुद से जर्सी वगैरह खरीद के और किटें खरीद के वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, जिसके बाद उनको निकाल दिया गया था। फिर अब उनको लाया गया दोबारा कोच बना के, वो जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहे। तो आज आप देख सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस क्या है, सारे नए नए खिलाड़ी, वो हमारे हिंदी में कहते हैं कि युवा प्लेयर्स, तो वो अब इनके आए हैं, आप देख सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस। मेरा मानना तो यही है कि ये फास्ट बॉलिंग पिचेस बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि फजल फारूकी और नवीन की बॉलिंग हम सब जानते हैं, मुख्तलिफ लीगों में भी इनको देख चुके हैं, जो ये कोई इतना खास बॉलर नहीं है कि इतना इम्पैक्ट ये डाल सके। और कल बांग्लादेश की इंटेंट बिल्कुल पाकिस्तान वाली नजर आई, नजमुल हसन शांतु साहब की सोच भी बाबर आजम वाली नजर आई माजद के साथ, क्योंकि उनको चाहिए था वो मेरे हिसाब से वो 6-7 ओवर में अगर आउट भी हो जाते तो उनको जीत के कुछ मिलना नहीं था सिवाय 2 पॉइंट के, और ये कि एक अच्छे नोट पर उन्होंने फिनिश किया। हार तो वो अभी भी गए, लेकिन शायद वो अगर अपनी इंटेंट दिखाते तो वो क्वालिफाई भी कर सकते थे सेमीफाइनल के लिए। बिल्कुल ठीक है, अफगानिस्तान की टीम पहुंच तो गई है, लेकिन मैं आपको एक और बता दूं, अगर ये फाइनल में गए तो एक बुरा लफ्ज है लेकिन शायद ये सही नहीं है, लेकिन ये गंद ही करेंगे आगे जाके, मेरे हिसाब से इनको नहीं आना चाहिए था। बांग्लादेश जीतता, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा, क्योंकि ये कुछ देर पहले जी ये छोटी टीम है, क्योंकि आप इनको इतना बड़ा नहीं ले सकते, वो पिचों का कमाल है या कुछ भी है। राशिद खान देखें, एक दो बंदे अगर टीम चल रही होती तो पाकिस्तान सारे टाइटल जीत चुका होता, जिस तरह बाबर रिजवान और शाहीन पिछले 2 साल में कर रहे थे, गो के अभी तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन अगर एक दो बंदों से बिल्कुल सही कह रहे हो, टीम वर्किंग नजर आनी चाहिए। मेरी बात भी यही थी कि अगर इंग्लैंड और इंडिया के बजाय इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच होता और इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच होता तो एक दोनों सेमीफाइनल्स में कोई छोटी टीमें बाहर जाने का मसला होता और एक फाइनल हम फुल फ्लैश टीम्स के साथ देख सकते थे। लेकिन अगर कहीं खुदा ना खास्ता ये वही जो मैंने आपको कहा 120-130 बना देते हैं और साउथ अफ्रीका से चेज नहीं होता और उधर से कहीं इंडिया आ जाते तो मेरा ख्याल है फाइनल कराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, और फाइनल देखने की बताया, और अफगानिस्तान इंडिया के खिलाफ इस तरह से खेलता है जैसे कि कोई बहुत छोटी टीम है। हाँ, विश लिस्ट होती है कि आप बताएं कौन सा हमारा प्लेयर परफॉर्म करे कौन सा प्लेयर ना करे, वो वाला सिलसिला नजर आने लगता है। बहरहाल जनाब, खैर ऐसा है, और ये बहुत सैड रियलिटी है, लेकिन ये हम बहुत अरसे से आप देखते आ रहे हैं जब से आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स के। बिल्कुल, आप देखें जब ये आईसीसी T20 टूर्नामेंट हुआ था, उसके बाद एशिया कप हुआ था, विराट कोहली की फॉर्म बिल्कुल नहीं थी, वो शख्स जो T20 में 70 से कभी आगे नहीं बढ़ा था उसकी सेंचुरी इन्होंने करवाई, जो 3 साल से सेंचुरी करने के लिए तरस रहा था अपनी, उसकी इन्होंने सेंचुरी करवाई। लोग कहते हैं किंग है किंग, मैं तो समझता हूँ कि वो भी अपने हिसाब से ही खेलते हैं, उनसे बेहतर किंग रोहित शर्मा है, क्योंकि आप देखें उनकी इनिंग इम्पैक्टफुल है, मुझे 2013 से वो पसंद है, क्योंकि वो एक तरफ मैच को कर देते हैं, और ऐसे प्लेयर ही चाहिए होते हैं T20 में। अच्छा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच आपने देखा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, उस पर कुछ कमेंट करेंगे? बहुत मजा आया मुझे ट्रेविस हेड की बैटिंग देख के। जिस तरह ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि वो कहते हैं कि बिखरे हुए बैल के आगे लाल कपड़ा और ट्रेविस हेड के आगे नीली जर्सी। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बहुत बुरी तरह से मारता है, वो शुरू से ही कहते हैं इंडियंस भी कि ट्रेविस हेड हमारा फर्स्ट टारगेट है, उसको हमने आउट करना है किसी तरह, और वही उनसे आउट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर उस दिन भी एक आध ओवर दो ओवर और खेल जाते दोनों मार्श और जिस तरह से हेड बैटिंग कर रहे थे, लेकिन देखें इसमें थोड़ा सा एक वो भी आप समझे कि जिस तरह ऑस्ट्रेलियन कर रहे थे कि हम स्कॉटलैंड से हार जाएंगे, हम इंग्लैंड को बाहर कर देंगे, आपने सुना होगा जी जी ऐसे, और इस किस्म की वो बातें कर रहे थे, और पैट कमिंस ने एक बात एक जगह ये भी कहा कि आईसीसी ट्रॉफियां तो मैं अपने बैग में लेके घूमता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक्चुअली डिजर्व करती है ये कहना, जितनी बार वो टूर्नामेंट जीत चुके हैं यकीनन वो ट्रॉफीज लेके घूमते होंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल डिजर्व करते हैं, लेकिन अब आप देखें ना क्रिकेट की कितना हसीन गेम है ये, कि बांग्लादेश पे ऑस्ट्रेलिया रिलाय कर रहा होगा सुबह 5 बजे से, खैर वो लोग तो अपने रात में देख रहे होंगे, लेकिन हम लोग इधर जागे रहे और मैं पूरा मैच हम लोग देखते रहे, आप लोग भी जागे होंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई, मुझे इंग्लैंड का इस वर्ल्ड कप में सफर अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इंग्लैंड जैसी टीम सेमीफाइनल में कैसे पहुंच गई, हालांकि कोई ऐसी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नजर नहीं आई सिवाय जो उन्होंने वेस्ट इंडीज को जिस तरह हराया, बाकी छोटी टीम्स को वो मारते आए और बड़ी टीम से वो हारते आए और वो सेमीफाइनल तक पहुंच गए।
बिल्कुल, लेकिन आप इंग्लैंड का आप देखें, जब आप इनको सेमीफाइनल में देखेंगे तो आप एक मुख्तलिफ तरीके से देखेंगे, और इंडिया पे इनका 2022 वाला प्रेशर लाजमी होगा क्योंकि इन चीजों को कैच करते हैं ये, बहुत माइंड गेम खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो, इंग्लैंड हो या और दूसरे हो, तो ये लोग इस तरह से है। और दूसरा यहाँ पे हैवी रेन फोरकास्ट भी है, उसको भी देखा जाएगा इंडिया और इंग्लैंड के लास्ट सेकेंड सेमीफाइनल में शाम में जो हमारे यहाँ मैच होगा। बिल्कुल अच्छा, मेरा एक बहुत ही मासूमाना सवाल है कि आप किस टीम को यानी सपोर्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये टीम जो है ना वर्ल्ड कप जीते इस बार? देखें, अगर दिल से पूछा जाए तो अब मैं चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका भी जिस तरह खेल रहे हैं तो उनको चाहिए कि अब थोड़ा सा होश के ना खोल लेते हैं और थोड़ा बेहतर करके, अब मौका है उनके पास और जीत सकते हैं, अनबीटन रहे इस वर्ल्ड कप में और सबके पास ट्रॉफी होनी चाहिए। बिल्कुल जी, सबके पास ट्रॉफियां होनी चाहिए। अच्छा स्टैन, फाइनल वर्डिक्ट, ये दोनों सेमीफाइनल्स कौन विन कर रहा है, फाइनल कौन खेलने जा रहा है आपके नज़दीक? और मैं तो ये विश करूंगा कि दोनों मैचेस हों, भले जैसे भी हों, मतलब बारिश वगैरह ना हो, मैचेस देखने को मिले। शायकीन इतना पैसा लगाते हैं और हम लोग इतना टाइम निकालते हैं तो ये मैचेस तो होने चाहिए, लेकिन ये दोनों सेमीफाइनल्स ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर दोनों मैचेस हों तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंग्लैंड पकड़ ले इंडिया को, लेकिन उनका स्पिन अटैक, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि वो बैटिंग फर्स्ट जो भी टीम करेगी, अगर अफगानिस्तान चेस करने जाएगा तो अफगानिस्तान हार जाएगा, और साउथ अफ्रीका चेस करने आएगा तो भी साउथ अफ्रीका हार जाएगा। शर्त यह है कि अफगानिस्तान 120-30 रन भी अगर बना ले, क्योंकि कल 115 भी उन्होंने बता दिया, तो उनके पास ऐसा अटैक है, और साउथ अफ्रीका के पिछले 3-4 जो बैटर हैं ऊपर के, उनके अलावा कोई नीचे आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि आप बोलें कि ये सिंगल हैंडेडली जिता लेते हैं, बस मिलर के बाद आके उनकी बैटिंग का इख्तिताम हो जाता है, बाकी शमसी महाराज वगैरह रह जाते हैं, तो हमें हम सबको पता है कि वो क्या कर सकते हैं। तो इंग्लैंड और अफ्रीका का अगर फाइनल होता है, इंग्लैंड और अफ्रीका का अगर फाइनल होता है तो बहुत वर्ल्ड क्लास मैच देखने को मिल जाएगा, शायद इंग्लैंड के लिए मुश्किल भी हो जाए। चाहे अगर यहाँ से अफ्रीका आए, इंग्लैंड आए या इंडिया आए, दोनों में से कोई भी आए, तो बस अफगानिस्तान नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक्सपीरियंस की कमी है, वो वैसी सामने वाली टीम को दे जाएंगे फाइनल। नहीं, आई थिंक इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान अगर मैच होता है तो अफगानिस्तान का रिकॉर्ड है कि उन्होंने इंग्लैंड को एक मैच हराया हुआ है, तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने तो आपको भी हराया हुआ, हमें भी हराया हुआ, सबको हराया हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम फाइनल में भी तो नहीं है ना। हम फाइनल में नहीं है, लेकिन बस अगर मगर का मामला आया नहीं, थोड़ा यूएसए वाला मैच गड़बड़ हो गया, वरना जो कि खबरें इस तरह से हैं, थोड़ी सी अगर टाइम हो आपके पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, के हमारे बाबर आजम साहब राइटिंग करके लेके गए थे पाकिस्तान से कि हम यूएसए को हराएंगे, इंडिया से हम हार जाएंगे, और आयरलैंड और कनाडा को हरा के हम सुपर 8 तक तो जा ही रहे हैं, उसके बाद हम देख लेंगे। तो मेरा मानना तो ये है कि बाबर आजम समेत मोहसिन नकवी साहब की भी छुट्टी होनी चाहिए और तमाम नया निज़ाम लाना चाहिए, और उन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए जो कि मुल्क और क्रिकेट बोर्ड के अंदर गन मचा रहे हैं। आप ये तमाम वही लोग हैं जो मुल्क चला रहे हैं, जो लोग क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, सियासतदानों का कोई काम नहीं है। आप देखें, वजीर आजम पाकिस्तान पेट्रियन एंड चीफ है, वो जो मर्जी आए वो कर सकता है क्रिकेट बोर्ड में, मोहसिन नकवी साहब को उठा के लगा दिया। मेरा मानना है कि किसी क्रिकेटर को लगा दें या तो फिर नजम सेठी साहब के पास तजर्बा है, उनको लगा दिया जाए। अब आप इंडिया आयरलैंड का देखें, उन्होंने जो अगर आपकी नजरों से गुजरा हो, जो स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया इंडिया और आयरलैंड का, तमाम नए खिलाड़ी उन्होंने, अभिषेक शर्मा उसमें होगा, रियान पराग वगैरह होगा, शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया उन्होंने। हमारे यहाँ क्यों ऐसा नहीं होता? क्या अगर हमारी टीम सेमीफाइनल खेल ली होती, आज मैं आपके आगे सवाल रखता हूँ, हमारी टीम सेमीफाइनल खेल ली होती, बाबर रिजवान की परफॉर्मेंस होती, अनबीटन होती हमारी टीम, तो हम जो है वो बी टीम को अपना स्क्वाड, तो क्या हम ऐसा किसी नए खिलाड़ियों को मौका देते? हमारे पास शायद इतनी बेंच स्ट्रेंथ है भी नहीं, क्योंकि हम जब आयरलैंड से अपनी ए टीम, नहीं, हमारे पास बहुत बेंच स्ट्रेंथ है, मौका नहीं मिलता। हम अगर ए टीम के साथ भी आयरलैंड से खेलने जाते हैं तो वहाँ भी हमारा कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो रहा होता है कि हम ये मैच जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। तो बात यह है कि हमारे जहनों में ये बात बिठा दी गई है कि बाबर रिजवान शाहीन हारिस नसीम इनके अलावा हमारे पास कोई है, ये होंगे तो हम मैच जीतेंगे वरना नहीं जीतेंगे। जहनों में बात हमारे यहाँ अभी जब नसीम शाह के बगैर हमें सीरीज़ खेलनी पड़ रही थी तो सबका यही था कि शाहीन शाह अफरीदी एक एंड से कंटेन कर रहे, दूसरे एंड से कौन करेगा, नसीम शाह तो है नहीं। हालांकि जितने प्लेयर हैं अभी आपको अब्बास नजर आए, जमान खान को हम बिल्कुल भूल गए, जिसको हम एकदम एहसानुल्लाह को हम लेकर आए थे, एहसान उल्ला तो खैर इंजरी से जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ और भी बहुत सारे, अरशद इकबाल एक बॉलर है, काशिफ भट्टी एक बॉलर है, वो कहाँ चले गए, जाहिद महमूद को क्यों T20 में मौका नहीं दिया जाता, अबरार को साथ कैरी करते हैं, बाबर आजम साहब उनके साथ खाने खाते हैं, उनके साथ गपशप लगाते हैं, कमरों के बाहर हंसी मजाक करते हैं, मैच के टाइम पे उनकी दोस्ती शादाब से हो जाती है, कौन सी मजबूरियां उनकी ये समझ नहीं आता। दूसरा ये आमिर और इमाद को आप लेकर आए,
अब हम उनके पीछे पड़ रहे हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी तक कंटिन्यू करें वो नहीं कर सकते वनडे में, अगर वो दोनों कंटिन्यू करेंगे अभी तो आमिर की आपने देख लिया चार से, अब उनको पांचवा ओवर करना पड़ा तो पांचवे सुपर ओवर में उनका क्या हाल हुआ आपने देखा होगा कुछ बिल्कुल तो वो इतने फिट नहीं है, वो लीग के प्लेयर्स हो गए। अब जाहिर सी बात है जिनका फोकस लीग पे हो तो वो स्टेमिना भी उसी हिसाब का ही रखते हैं। मेरे ख्याल से आउट ऑफ नो वेयर जब दो आप प्लेयर्स लेकर आते हैं तो टीम का वैसे ही इन्वायरमेंट खराब हो जाता है कि जब हम इतनी स्ट्रगल करके आ रहे हैं और ये दो लोग जो है वो स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ आ रहे हैं तो टीम का वैसे ही इम्बेलेंस हो जाती है टीम। बहुत शुक्रिया। हाँ मैं चाह रहा था हसनैन अब्बासी, अभी आपने जिस तरह कहा भी था कि बाबर आजम जो पर्ची पे लिख कर जाते हैं प्लान उनका जो होता है बस उसी के तहत ही खेल लेते हैं, बाबर आजम पकड़ लिया कभी जो है मैच में वो डिसीशन नहीं ले पाते उस तरह फील्ड सेट नहीं कर पाते मौके की मुनासिबत से, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब आप देखें इसकी मिसाल सबसे आपने बड़ी अच्छी बात की और बहुत अच्छी बात है, मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ आपसे कि वो किताबी कप्तानी पे बिलीव करते हैं, जो वो सोच के जाते हैं उनके अंदर इतने गट्स है ही नहीं कि वो वहाँ पे डिसीजन ले सके। यहाँ तक कि जब हम स्कूल में क्रिकेट खेला करते थे तो उसमें जब मैं कप्तानी किया करता था मेरे साथ और लड़के होते थे तो हम यही करते थे कि मैच टू मैच ओवर टू ओवर लेके चलते थे उसको कितने रन रह गए, और बाद वक्त तो हमें बॉल बाय बॉल कप्तानी करनी पड़ती थी कि क्या करना है। अब हाँ जी, एक बॉल पे आपको फील्डर अंदर लेना है, एक बॉल पे आपको फील्डर बाहर लेना है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी बता रहा हूँ कि यूएसए वाला मैच आप देखें कि हारिस रऊफ साहब जब बॉलिंग कर रहे थे बाबर साहब ने बिल्कुल डिफेंसिव फील्ड की हुई थी, बाबर साहब ने फील्ड खोली हुई थी कि आप रन ले लो आसानी से, अगर फील्ड खोली हुई थी इधर फुल टॉसेस करवाई जा रही थी अकॉर्डिंग टू प्लान बॉल नहीं हुआ। बॉलिंग को हमारे यहाँ कहा जाता है, माजर के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, इंडिया की बॉलिंग को हमारे यहाँ कहा जाता है कि दौड़ते हुए स्पिनर है क्योंकि उनकी स्पीड इतनी नहीं है 35, 36, 32 तो एक इस्तेमाल इस्तेमाल होती है पाकिस्तान क्रिकेट में कि ये दौड़ते हुए स्पिनर हैं चाहे शामी हो सिराज हो या बुमराह आप, लेकिन आप उनकी गेंदबाजी देखें उसकी वजह ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, उसकी वजह उनके प्लेयर उनके कप्तान का अटैक करना है, जिस तरह वो स्लिप लगाता है दो दो रिवर्स हेड के लिए स्लिप लगी हुई थी 15वें ओवर में जी, तो वो इन चीजों से हटके करते हैं। और बाबर आजम की जिस तरह से आपने बात की, बाबर आजम का एक फैसला मैं आपको बताता हूँ, शायद आप लोगों को याद हो 2022 T20 एशिया कप इंडिया पाकिस्तान का मैच था सुपर फोर का जिसमें नवाज को उन्होंने भेज दिया था चौथे नंबर पे, जो कि एक ऐसी चीज थी जो कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था उस टाइम पे, मेरे ख्याल फुजिल शाह वगैरह आया करते थे उस नंबर उसे कोई जो है ना अभी तक डिफेंड भी नहीं कर पाते वो लोग, समझते सब समझते कि गलती थी, और उसके बाद नवाज को उन्होंने ओवर भी दिया था मेरे ख्याल से 19वां या 20वां। ना मैं उस मैच की नहीं, वो तो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, मैं एशिया कप वाले मैच की बात कर रहा हूँ, नवाज ने उसके अंदर 40 रन कुछ मार दिए थे, अब वो मैच हम जीत गए थे, फिर आसिफ अली ने भुवनेश्वर कुमार के ओवर में 19 रन लिए थे और आखिर में इफ्तिखार ने 2 रन लेके वो मैच फिनिश किया था, तो मैं उस मैच की बात कर रहा हूँ। देखें अब जब आप डिसीजन लेते हैं, सरफराज को बहुत सारे लोग कहते थे ये गालियां बकता है, ये खड़ा होकर जमाइयां लेता है, मैं कहता हूँ हमारी कौम चलती चलेगी इसी तरह से भाई सरफराज खुद बैटिंग करने नहीं आते, अपनी जगह दूसरे प्लेयर्स को भेजते हैं, हालांकि ये उनका एक डिसीजन होता था। सरफराज अहमद ने 2015 से एज ओपनर स्टार्ट लिया था जब कामरान अकमल साहब जख्मी हुए थे और फिर हम दो मैच बुरी तरह से हार गए थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई थी उसमें मैच में, वो हम 60-70 रनों से वो मैच हम हारे थे इंडिया से, फिर वेस्ट इंडीज से हम दूसरा मैच हार गए थे रात को 3 बजे वो मैच था वो भी हम हार गए थे, तीसरा मैच हमारा साउथ अफ्रीका से था वो उस मैच के अंदर सरफराज को मौका दिया गया था, इसमें उसने विकेट के पीछे 6 कैच पकड़े थे और एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड बराबर किया था। हाँ जी, हाशिम आमला का बहुत ही खूबसूरत कैच किया था उन्होंने, मुझे याद है बिल्कुल 31 गेंदों में 49 रन बनाए थे जिन्होंने स्वीप पे छक्के मारे थे 2, मुझे याद है, बहुत मजे की क्रिकेट खेली थी। उसके बाद अगला मैच आयरलैंड से था आएगा जिसमें उन्होंने 100 किया था, पता नहीं जिम्बाब्वे से था या आयरलैंड किया था, आयरलैंड से वो मैच था 100 किया था उन्होंने, और वो मैच वो बंदा चाहता तो रिजवान की तरह वो भी अपनी जगह ले सकता था, लेकिन ये बात थोड़ी सी अलग हो जाएगी, लेकिन उस खत्ते में मेरा ख्याल है एक्टिंग मशहूर अफगानिस्तान लाइक पेशावर टाइप, आप मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा लेकिन आप देखें गल गुलबदीन। हाँ खैर बात ये तो किसी और तरफ निकल जाएगी, मेरे ख्याल से हम इसे छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल आपकी बात इशारतन समझने वाले समझ गए हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए प्लेयर टू प्लेयर वेरी करती हैं चीज़ें। सरफराज अहमद पर कैप्टनसी का जब बोझ था तो उन्होंने उस कैप्टनसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी ना कि अपनी बैटिंग को, और रिजवान के साथ भी अगर ये कोई सिलसिला होता है तब हम उन्हें इस चीज़ पर जज कर पाएंगे कि वो अपनी कैप्टनसी को ज़्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप रोहित शर्मा की मिसाल ले लें कि रोहित शर्मा हमेशा फ्रंट से लीड करता है, वो आता है 10-12 रन बनाता है आउट हो जाता है, कल जब उसका बल्ला चला परसों तो वो अपनी सिंगल हैंडेडली मैच को निकाल के ले गया, यही का इंडिया देखिए इंडिया की कोई बहुत बेहतर टीम नहीं है, मैं आपको सच बताऊं तो इंडिया का सिर्फ आप इंडिया को 2-3 अगर पाकिस्तान के प्लेयर देते तो इनका हाल भी वही होना है। विराट कोहली साहब आप देखें कोई नहीं बोल रहा,
लेकिन हमारे थोड़ा सा अलमिया ये है कि अगर यही काम बाबर ने अभी किया हो तो हम कहते इसको निकाल दो, बस टीम से नहीं खेला जा रहा। ऐसे ही होता है जनाब, बिल्कुल। हसनैन अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आप ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, और क्या बात है जनाब आपकी, बहुत बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन सो मच भाई। ये तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये ट्रांसमिशन का प्रॉपर हिस्सा होने चाहिए हमारे, ये जो सितारे हैं ना, जैसे कल हमारे साथ बख्तियार मौजूद थे, आज हमारे साथ हसनैन अब्बासी ने ज्वाइन किया, माशाल्लाह बड़ी महारत रखते हैं, जबरदस्त किस्म के कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत मजा आया गुफ्तगू करके उनके साथ, क्रिकेटिंग सेंस उनको बहुत अच्छा था और नॉलेज बहुत मजे की थी, तो ऐसे कॉलर्स के साथ कॉल पे बात करते हुए बहुत ही इंजॉय करते हैं। आप भी हम इसी तरीके से हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ एंगेज हो सकते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, जीत के जोश को चार चांद लगा सकते हैं, जोश खरोश बढ़ा सकते हैं, कैसे, बिल्कुल वैसे ही 0330860072 और facebook.com/nasabainstitute। ये दो जराए हैं, ये मैंने याद कर ली है, नींद में उठ के भी बोल देता हूँ, सही बोलता हूँ। अच्छा जनाब, मैं अपनी तरफ से बताता चलूँ कि अफगानिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड वर्सेज इंडिया, मेरे ख्याल से अगर इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका मैच होता है तो वो ज़्यादा मज़े का होगा एज कम्पेयर टू अगर किसी और टीम का मैच होता है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी मुझे थोड़ी सी एजुकेटेड ज़्यादा लगती है और थोड़ी सी हार्ड वर्किंग कम लगती है, बिकॉज उनके भी हाथ पाँव फूल जाते हैं और वो पैनिक करने के लिए, मतलब अब बेन स्टोक्स भी नहीं है ना यार जो पाकिस्तान के खिलाफ अटक गए थे, तो अफगानिस्तान की टीम का भी ये क्लैप्स करने के चांसेस ज़्यादा है। इंडिया और अफ्रीका में मुझे ये लगता है कि क्लैप्स करने के चांसेस दोनों में थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि दोनों थोड़े से ऑन ग्राउंड टीम्स हैं, मतलब अपने हाथ गंदे करने वाले जो लोग होते हैं, जो मट्टी में खेलने वाले टाइप के लोग होते हैं, दोनों का वो हाल है, दोनों कोई डेडी मम्मी कल्चर के नहीं है। तो साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो एंड टाइम तक फाइट करने की कोशिश करती है, उनका कोई एक प्लेयर भी अगर एक एंड से खड़ा होता है तो डर लगा रहता है कि बस इसको जब गुस्सा आया तो बस एक ओवर में 30-30 रन बन जाएंगे, मसला कोई नहीं है। और इंडिया का भी यही सेम सीन है कि उनका कोई एक प्लेयर जब तक खड़ा रहता है, कोशिश होती है, जडेजा तक की कोशिश होती है कि वो साथ में किसी एक प्लेयर को ले और खुद सिंगल हैंडेडली मैच को फिनिश कर जाए। तो अगर इंडिया और अफ्रीका का मैच होता है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मज़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स। साकिब से पूछते हैं कि फाइनल में वो कौन सी दो टीम्स देख रहे हैं, फिर कल की जब हम ट्रांसमिशन कर रहे होंगे तो एक सेमीफाइनल हो चुका होगा, एक टीम फाइनल हो चुकी होगी, हम सेमीफाइनल के ऊपर बात कर रहे होंगे और अगली टीम की प्रेडिक्शंस हो रही होंगी, फिर शायद अगर अफगानिस्तान टीम पहुंचे तो मेरी दूसरी टीम बदल जाए, फिर शायद इंग्लैंड हो जाए, खैर कुछ भी हो सकता है। साकिब रजा आप बताइए। जनाब अली आपने बताया और लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं उसमें ये है कि कल जो सुबह में मैच होने जा रहा है वहाँ पर तो मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ और मुझे लग भी रहा है वैसे सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कि अफ़गानिस्तान की टीम अब फॉर्म में आ गई है और राशिद खान बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि चांसेस हैं इस बार अफ़गानिस्तान की फ़ाइनल में पहुंचने के। ऑल दो जो दूसरी साइड पे साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो भी बहुत मजबूत टीम नज़र आती है और लग रहा है कि वो भी इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे जिस तरह ऐसा आपने कहा कि वो जीतेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल अफगानिस्तान की टीम मैदान मार लेगी पहले मैच में। अच्छा जो सेकंड मैच होने जा रहा है उसमें मुझे लग रहा है वैसे मैं बताऊं कि जो इंडिया की टीम है उसको सामने रखते हुए जितनी वो तगड़ी टीम है वो भी सब मालूम है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम ले जाएगी। यानी इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान फाइनल देख रहे हैं। यस मैं फाइनल देख रहा हूँ इन दोनों टीम्स को फाइनल में, तो लेट्स सी क्या होने जा रहा है जनाब। कल ये दो सेमीफाइनल्स हैं, वर्ल्ड कप अपने अख्तिताम की तरफ जा रहा है, जीत का जोश अभी भी जारी है, कुछ दिन आपके साथ मजीद हमारा ये ताल्लुक रहेगा, ट्रांसमिशन के थ्रू आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे इंशाल्लाह, शेर व शायरी भी लेकर आएंगे और बहुत सारा कंटेंट आपका मंतज़र है। तो आज की एक्टिवेशन मेरा ख्याल है कि बस बिल्कुल इतना ही, क्यों और क्या, मतलब यार हर ट्रांसमिशन में डायरेक्टर साहब थोड़ी निकालेंगे, कभी खुद भी निकल जाना चाहिए। वैसे भी देखें ना आज यार हर कोई ब्रेक पर है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज कोई मैच नहीं हो रहा, ब्रेक चल रहा है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल जी, लिसनर्स की मोहब्बत हमें ले आती है, मोहब्बत खींच लाती है। चप्पू चार्जर भी ब्रेक पे है, चप्पू चार्जर भी ब्रेक पर है, बस हम दो ही लगाए हुए हैं, नई सुबह वालों ने ना बस हमें इसी काम पे लगा रखा है। जब से मैंने बोला ना मनी प्लांट वाली बात सब पता चल गई, तुम मुझे तुम लोग अपने टांगे बांध बांध के रख देते हो, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा था लिस्नर्स अभी तक ना चप्पू चादर के वाले से। बरल जो कुछ कहे या ना कहे, बरल हम अब यही कहने
कहने लगे कि अल्लाह हाफिज फ्रॉम आवर साइड जनाब एहसन इकबाल, साकिब रजा, चप्पू भाई, हम सबको इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात करते हैं एक बार फिर कल इंशाल्लाह। गर्मी बहुत है, पानी बहुत ज़्यादा पीते रहें और जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं यानी घर से बहुत कम निकलें, ये तमाम चीज़ें ज़रूर फॉलो करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी मुमकिन है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, बेहोश हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जनाब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।